गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग, होप यू आर डूइंग वेल। अभी मैं बाहर आया हूं और लग ही नहीं रहा कि यहां पर बहुत तेज़ किस्म का टाइफून आया हुआ था। अभी भी मैं बाहर आया हूं, सब लोगों ने सफाई करना शुरू की हुई है और हर जगह को साफ करके रखा हुआ है। अब यहां पे तकरीबन कल रात को बहुत तेज़ किस्म की टाइफून आई हुई थी। मुझे तो खैर पहले से पता चल गया था कि वियतनाम में आई हुई है और वहाँ पर नेटवर्कस भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उधर से फिर यहाँ पर भी कल रात को आई हुई थी और बहुत तेज़ किस्म की टाइफून थी। यानी मैं कल रात को थोड़ी देर के लिए बाहर निकला, लेकिन वहाँ पे मुश्किल थी, बाइक भी नहीं चला सकते थे। और इन्होंने बहुत सारे दरख्तों के ऊपर ये सपोर्टिंग स्टिक्स लगाए हुए होते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे दरख्त टेढ़े हो गए हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत तेज़ किस्म की तूफ़ान थी और ये मैं अभी सामने आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख लें, वहाँ पर जितनी भी ये ट्रीज़ हैं उसकी जो सपोर्टिंग स्टिक्स थे वो भी सारे गिर गए हैं और ये भी सारे, और वहाँ पे तो पूरे दरख्त गिर गए हैं। इस तरह हम अगर आगे जाते हैं तो वो भी, ये जो बैम्बूज इन्होंने लगाए हुए थे वो भी टेढ़े हो गए हैं। तो उसके बावजूद भी जैसे ही बाहर आप निकलते हैं तो सब कुछ इन्होंने साफ करके रखा हुआ है और देख लो रोड्स भी साफ है। अभी तक भी लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। पहले यहाँ पे जंगला लगा होता था तो उस जंगले को भी उन्होंने हटा दिया है। ये पीछे जो जगह है उधर भी ये भी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। और ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है जहाँ पे अभी तक अंदर काम हो रहा है, मतलब यहाँ पे बुक्स वगैरह और सीटिंग लगी हुई हैं कुछ फ्लोर्स तक, लेकिन फिर भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर काम भी शुरू है। और यहाँ पर भी सामने जो बैम्बूज लगे हुए थे वो सारे के सारे कुछ गिर गए हैं, कुछ टेढ़े हो गए हैं। और वहाँ पर दरख्त, ऐसे भी दरख्त है जिनको सपोर्टिंग लगी हुई थी उसके बावजूद भी वो गिर गए हैं, आप देख लीजिए। लेकिन उसके बाद भी आप चेक कर लें यहाँ का जो फिज़ा है कितना ही साफ है और ये एनवायरनमेंट कितना ही खुशगवार लग रहा है। अभी हवा भी चल रही है और सूरज कभी निकल जाता है कभी फिर साइड पे हो जाता है, लेकिन फिर भी अब दूसरी बात जो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है, कल रात में यहाँ पे आया हुआ था, कल रात को यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, बहुत बड़े दरख्त इधर लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही मैं इस एरिया से कल रात को शाम के वक्त गुजर रहा था तो यहाँ पर जो ये सारे के दरख्त थे ये टेढ़े हो गए थे और ये इसी जगह पर आए हुए थे, तो यहाँ से आप नहीं गुजर सकते थे, ये वाला रास्ता आपको यूज़ करना था। तो मैंने भी यही वाला रास्ता कल रात को यूज़ किया था, लेकिन जैसे ही अभी शाम को ये हुआ है, सुबह मैं आया हूँ अभी, ये उन्होंने काट दिया है सारा का सारा, इन्होंने काट के रख दिया है। इतना क्विक सिस्टम है चाइना का और इतनी ही जल्दी उन्होंने सब कुछ साफ करके रख दिया। ये चीज़ वाकई माननी पड़ेगी चाइना की कि यहाँ पर काम बहुत तेज़ी के साथ होता है और हर काम बहुत ही फास्ट होता है, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है। मैंने ख़ुद देखा हुआ है काफ़ी दफ़ा, यहाँ यूनिवर्सिटी में जब कंस्ट्रक्शन होती थी इवन बारिश में भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे और अपना काम जारी रख रहे थे। स्पेशली जो बूढ़ी आंटियाँ होती है, अगर उन्होंने ग्रास साफ करना है या इस तरह छोटे मोटे काम के लिए उनको बुला लेते हैं तो वो उनके पास रेनकोट्स होती है, जब बारिश होती है तो वो रेनकोट्स पहन के तब भी काम कर। अभी आप वहाँ पर चेक करें, ये लोग आए हुए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई भी उधर सफाई कर रहे हैं, ये भी इधर सफाई कर रहे हैं। ये अभी एक दरख्त गिर गया है यहाँ पर, तो इसके लिए ये कितने ही लोग आए हुए हैं आप चेक कर ले, मैं अभी आप लोगों को दिखा दिया। तो ये सारे लोग आए हुए हैं, इसको लेके जाएंगे और इसका पूरा इंतज़ाम करेंगे, आप चेक कर लें, ये भी इसको मैनेज करेंगे। और वहाँ पर भी सफाई वाली गाड़ी खड़ी है और ये सुपर स्टोर है, तो यहाँ से मैंने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मिल्क वगैरह लेना है। यहाँ पे आपको फ्रेश हनी और दूध वगैरह सारे मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे अभी तकरीबन मंडे से लेके ट्यूसडे तक, यानी संडे से लेके ट्यूसडे तक मेडोडम फेस्टिवल था, लोग बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि यहाँ पे
इसी फेस्टिवल में लैंटर्न शोज़ भी होते हैं, जगह पे फैमिलीज टुगेदर होती हैं। और जितने दिन ही ये फेस्टिवल रहा उतने दिन ही बहुत तेज़ बारिश थी और टाइफून भी था, तो ज़्यादातर लोग बाहर ही नहीं निकले, सारे घरों के अंदर ही रहे। तो इनका तो टाइफून की वजह से, बारिश की वजह से ये फेस्टिवल भी डिस्टर्ब हो गया।